C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। तुम कर लेना मुझसे शादी, इतना बड़ा काम किया तुमने मेरा, मुझे जेल से निकाला है, अब अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। मुनीशा ने तुमसे रोका करने के लिए हाँ कर दी और एक मैसेज भी देने के लिए कहा कि वो लूथरा फैमिली की बहू बनना चाहती है। मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही हो? उस दिन ICP की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। तुम पृथ्वी जी को कैसे जानती और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? तुम अपने मंगेतर उस पृथ्वी को धोखा कब से दे रही हो? उस दिन ICP की पार्टी में भी तुम डांस अपने मंगेतर पृथ्वी के साथ कर रही थी, लेकिन तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना, ये सिर्फ करण को ढूंढ रही थी। पृथ्वी जी को कैसे जानती और कैसे पता है तुम्हें कि उनसे मेरी शादी होने वाली है? आपको पता है करण सर और पंडित जी को किसी घनश्याम नाम के पंडित पर डाउट है। डाउट है? मुझे कब से उस पर शक है, इनफैक्ट यकीन हो गया वो पंडित तो पंडित ही नहीं है। पता है पंडित जी, मैंने कई बार उसे पूजा के वक्त देखा, उसका ध्यान ही नहीं था पूजा पाठ में, और मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ। और करण, मैं तुम्हें बताऊं, ये जो धुआं वगैरह हुआ ना, ये सब मुझे लगता है उसी का काम था। क्या हुआ करण, ये रुका नहीं करना चाहते हो? खुद को बहुत हॉट समझती ना, अपने जलवे किसी और पे चलाना, फिर को मुझसे छीनने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तो? Listen, क्या मेरा पृथ्वी लगा रखा है? हाँ, छीनी वो चीज जाती है जिसकी कोई वैल्यू। आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम बाकी कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? Attention everybody. आज तक मैं आजाद पंछी था, दी करण लूथरा, लेकिन रोके के बाद पता चला कि जिंदगी की असली खुशी किसमें है, किसी के साथ बन जाने में, जिंदगी भर के लिए, क्योंकि कोई खास मेरा अपना हो गया और मैं उसका। ये रोका हुआ ना तो तुम्हारी वजह से, मैंने, सृष्टि ने, ऋषभ जी ने, दादी ने, सबने इतनी कोशिश की कि ये रोका ना हो, लेकिन ये फिर भी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाहत देखकर, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर, तुम्हारा कंसर्न देखकर, उस मुनीशा का ना दिल ही बदल गया। और फिर क्या पता तुम एक्टिंग कर रहे थे या तुम्हें सच में प्यार हो गया। तुम जानना क्या चाहते कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं करण लूथरा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी तुम? तो ये बताने के लिए फोन किया है? वो तो मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस कर रहा हूँ, और आज ही बता पाऊंगा, आज के बाद कभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए फोन किया। क्या? मैं बोलो, तुम मुझे पसंद करती हो राइट? अभी ना, सिर्फ रुक, एक चांस मिला ना तो सब रोक दूंगी, बैकआउट कर दूंगी शादी से, मेरी बात ऋत्विक से करवा देना। तीन बैल बजी है, मतलब ऋत्विक वापस आ गया। ऋत्विक, मैं आ रही हूं। क्या बात है, हम तीनों को देखकर तेरे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों बेटा, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पर हम तो आ गए। मुनीशा, क्या बात है पुत्र, हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? ओह, आई एम सॉरी, प्लीज कम इन, प्लीज प्लीज।
क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं नहीं, आपकी बहन है, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है। मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, किसलिए देख रहा है, मुझे नहीं पता। क्या बोल रहा तू? हाँ वही तो, तू ऐसा क्यों बोल रहा है कि तू ही किसी को देख रहा था? नहीं ऋषभ भैया, मुझे मुझे नहीं पता क्या। अरे जैसे आप दोनों देख रहे थे। हम दोनों? हाँ। किसे? मुझे, ऐसे करके मुझे देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? नहीं प्रीता जी, मैं ऐसा तो मैंने नहीं किया, मतलब मैंने देखा नहीं आपको। बिल्कुल डरता है? अरे डरने की बात क्या, मतलब मैंने देखा नहीं ऐसे आपको। ऋषभ जी आप नहीं देख रहे थे, तुम देख रहे थे ऐसे करके। क्यों देख रहे थे? हाँ देख रहा था। क्या हमारी चाल देख रहा था? ये जो जॉगिंग कर रही है इधर से उधर, सोच कर रही हो, दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? एग्जैक्टली मैं भी यही देख रहा था कि आप सोच क्या रही। हाँ जो ऋषभ भैया कह रहे हैं मैं भी वही सोच रहा था। मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी? अपने होने वाली सास की बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी तुम? आई मीन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आना चाहती, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा काम है ना, इस वजह से नहीं आ सकती। तुम जैसी भी हो, तुम कुछ तो है तुम्हें, कुछ खास जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम जैसा कोई और नहीं। अंदर आने के बाद तुम ये सवाल तो पूछ सकती थी कि ये 206 कमरा ही है ना? अरे अंदर आते हुए 206 था, घुसने के बाद थोड़ी ना 207 हो जाएगा। तरुण और नेहा कहाँ हैं? मेरी जेब में। मैं मजाक नहीं कर रही। लेकिन किस जुल्म सवाल कर रही हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तरुण और नेहा कहाँ हैं? पता है मुझे होगा। शादीशुदा है? किससे? माधुरी के होते हुए अपने मुस्लिम के साथ शादी की? कल देखिए कि गुड्डन के इंडिया की यंगेस्ट सास बनने के अक्षत के इस अनाउंसमेंट ने किया सबको हैरान। क्या जिंदल परिवार के तीनों बहुएं कभी अपना पाएंगी गुड्डन को उनकी सास के रूप में, या ये सफर होगा कांच पर चलने से भी ज्यादा मुश्किल? अब क्या नया मोड़ लेगी ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कल देखना ना भूलें। भगवान को बोन 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 कैसे करूं? दरवाजा खोल। क्या मीरा अपने आप को सनी से बचा पाएगी? हमारे घर में गलती करने की सजा सबको मिलती है। हमारी सजा ये है कि इससे सजा मत दीजिए। सर मुझे पता है कि तिजोरी से पैसा किसने निकाला। कौन है वो? बोलो, बताओ हमें। हमें जान के बदले सिर्फ जान चाहिए। देखिए हम भीख मांगते हैं आपसे, दरखास्त करें हमसे, प्लीज इसे माफ कर दीजिए प्लीज। वेदिका और साहिल के बीच की जंग जारी है कोर्ट में, जहां एक तरफ है देवकी माँ की परीक्षा, वहीं दूसरी तरफ है यशोदा माँ के दिल में डर वेद को खो देने का। अपने मुकदमे के पुख्ता सबूतों और गवाहों के साथ वेदिका दे रही है चुनौती अग्रवालों की दलीलों का। लेकिन क्या होगा न्यायालय का फैसला, जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में।